नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर का सेट नंबर 50। यहाँ पे देखेंगे आज 20 प्रश्नों को कुछ ही मिनटों में, जो कि आप भी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर 5 सेकंड के बाद आपको इसका आंसर और व्याख्या लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चनर करते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चनर करने के साथ साथ अंतिम में 15 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के तौर पर भी, वन लाइनर के तौर पर दिया गया है, तो उसको भी देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, लेकर चलते हैं आपको पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आंसर होगा सी, इट्स राजेश बंसल। यहां से जो स्टैटिक पार्ट है दोस्तों आपके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके अभी गवर्नर कौन है, यहाँ पे मैंने व्याख्या में इस पीडीएफ में लिख रखा है, आप इसे जरूर देखेंगे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स 23rd of May। जी हाँ, इसका थीम भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है दोस्तों, इस साल का थीम क्या है, तो बस इसको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इस साल का जो थीम है ये आप नोट कर दीजिएगा, टर्टल्स रॉक। क्या कहेंगे यहाँ पे, जी हाँ, टर्टल्स रॉक्स इज द थीम ऑफ 21। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, अवतार सिंह बहसिन। नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये पुस्तक जो लिखी गई है सन 1949 की लिखी हुई पुस्तक है, और 1949 से लेकर 1962 के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, भारत और चीन के युद्ध को लेकर यहाँ पे घटनाओं को विवरण किया गया है दोस्तों। इसमें तिब्बत के बारे में भी चर्चा की गई है। सवाल नंबर चलते हैं 4 की तरफ, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे। तो देखिए ये खिलाड़ियों के ऊपर एथलीट्स हैं ये, ठीक है, तो सबसे अमीर एथलीट्स कौन है उनका नाम बताइए इस बार। एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कोनोरो मैकग्रेगर। नोट कर सकते हैं दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इट्स अ सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से इसको आप नोट कर सकते हैं, 180 मिलियन डॉलर के साथ ये अपने कमाई के साथ सबसे टॉप पावदान पे रहे इस वर्ष में। दूसरे पावदान की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे 130 मिलियन से लियोन मेसी, और तीसरे पावदान की बात करें तो रोनाल्डो 120 मिलियन डॉलर से। बाकी मैंने यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक का डेटा दे रखा है, इसको भी जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे, किस देश के हॉकी फेडरेशन ने एटीएन ग्लिच पुरस्कार जीता है। एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। हॉकी इंडिया फेडरेशन ने देश में खेलों के प्रति वृद्धि और विकास को लेकर योगदान के लेकर यहाँ पे एटीएन ग्लिच पुरस्कार को जीत लिया है दोस्तों। हॉकी इंडिया इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, इंडिया इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है FIH का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों ये, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, एक और क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं इसको, ठीक है, FIH को। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल यहाँ भी है। एग्जैक्टली नरेंद्र बत्रा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ से जुड़ा हुआ तथ्य जो है स्ट्रेटेजी का, मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, इसके इस महासंघ के सीईओ हैं थियरी बियल, और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई सन 1924 में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टैटिक पार्ट का ये रहा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं, मोनैको ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इट्स ए, मैक्स वेडरस्टैपन इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, और दूसरे स्थान पर है कॉर्लेस सैन जूनियर। नोट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये विश्व चैंपियनशिप के दौड़ में दूसरे स्थान पर है। मैक्स वेडरस्टैपन जो है लुई हैमिल्टन को हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम किए हैं दोस्तों। वहीं पे विश्व चैंपियनशिप के दूसरे स्थान पे कॉर्लेस सैन जूनियर रहे हैं। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया में किसे विशेष राजदूत नियुक्त किया है। एम्बेसडर की बात हो रही है, जल्दी से आंसर करेंगे। एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, सुंग किम, डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन,
तो नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो है किम जोंग उन, ये नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका की तरफ से वर्तमान राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया के लिए एक नया राजदूत नियुक्त किया है जिनका नाम है सुंग किम। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी राजधानी दोस्तों प्योंग होती है, प्योंग योंग प्योंग ग्यान होती है, और नॉर्थ कोरिया वॉन जो है यहाँ पे कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी होती है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। लॉन्च किया गया एक पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे शिवशंकर मेनन इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। शिवशंकर मेनन ने वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर जो कब्जा किए गए गंभीरता को देखते हुए इसको रेखांकित किया है अपने इस पुस्तक में। तो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक पॉलिटिक्स के ऊपर ये पुस्तक है, इसको जरूर पढ़ेंगे आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 10 की तरफ। किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, एटलीटो मैड्रिडा ने रियल मैड्रिड 2-1 से हराकर, जी हाँ, किसको हराकर? रियल मैड्रिड को यहाँ हराकर किसने जीता है? तो एटलीटो मैड्रिड ने, जी ये जीते हैं दोस्तों, ये जीते हैं, ठीक है। तो किसने रियल मैड्रिड को हराकर जीता है? तो आंसर हमारा ए कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, खेल जगत से सवाल है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ला लीगा चैंपियनशिप का उद्घाटन कब हुआ था इस वर्ष खेले जाने के लिए, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपसे सवाल है दोस्तों। अब सवाल चलते हैं कुछ वन लाइनर्स पे जो कि आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टिक फेस्टिवल दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मई इंटरनेशनल डे टू एंड द ऑब्स्टिक फेस्टिवल दिवस का थीम क्या रहा? तो वुमेन्स राइट्स एंड द ह्यूमन राइट्स इन फेस्टिवल नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे कि किस देश की सेना ने इब्राहिम अताहिरू का निधन हुआ है? तो ये देश है दोस्तों नाइजीरिया के, ये शासक हैं, नोट कर लीजिएगा, वहां के प्रमुख थे नाइजीरिया के अताहिरू। किस कंपनी ने ब्लैक फंगस ड्रग पॉस्कोनजोल लॉन्च किया है? तो ये कंपनी का नाम है दोस्तों एमएसएन लैब्स। सवाल नंबर चलते हैं 5 की तरफ। किस राज्य ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च किया है? तो ये आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने। विश्व एथलेट्स में कितने रूसी एथलेट्स को न्यूट्रल एथलेट्स के रूप में खेलने की अनुमति दी गई है? तो विश्व एथलेट्स में 23, जी हाँ, 23 रूसी एथलेट्स को यहाँ पे न्यूट्रल एथलेट के रूप में खेलने की अनुमति दी गई है। चीन देश ने पाकिस्तान में कितने मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो 1100 मेगावाट, ये ध्यान रखिएगा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस का थीम क्या है? तो टर्टल स्ट्रॉक। रिजर्व बैंक के इनोवेशन के सीईओ किसे बनाया गया? तो राजेश बंसल। किसने मैड्रिड को हराया ला लीगा में? तो ध्यान रखिएगा, एटलीटो, हाँ, एटलेटिको मैड्रिड ने हराया था रियल मैड्रिड को। किसने वर्ष 2021 का टेम्पटल, ठीक है, टेम्पलटन पुरस्कार जीता है? तो ये है दोस्तों जेन गुडेल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किस देश ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इटली ने। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र बत्रा। आरबीआई के किस राज्य के पीएमएन सरकारी बैंक को 1 लाख रुपए का जुर्माना पड़ा है? तो महाराष्ट्र के। तो यहां से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे जो भी मैंने आप तक पहुंचाए हैं इन सभी वीडियोस के माध्यम से, तो आपको एक लाइक और शेयर करना बनता है यहाँ पे। प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर्स में, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट चाहिए, ठीक है। हर सवाल जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। मिलते हैं अभी 7 बजे फिर से क्यूज में आपके लिए, जी हाँ, तो टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे क्यूज दें, वहां भी आपके लिए 40 क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन के आंसर वहां पे आप करें। चलिए फिर मिलेंगे 10 बजे की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।